हेलो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट हाफ पीरियड जोन्स, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वी कैलकुलेटेड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय दिस कैपिटल ए व्हिच इज A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 अप टू An, where small a1 is the amplitude of the secondary waves coming from first half period zone and reaching at point P. Correspondingly, a2 is due to second half period zone, ye third, ye fourth, and this is nth half period zone. Ye cheez aa gayi samajh mein. Now this resultant amplitude depends upon following factor. First is area of corresponding half period zone. Area kitna hai. Second, mean distance traveled by corresponding waves. Jo mean distance hai aapki, jo maine shuru last lecture mein bataya tha, jo half period zone se jo secondary wave chalengi, unko P point tak pahunchne mein kitni distance lag rahi hai. ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है या कम डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है, ये आपको सबको पता है. द इफेक्ट वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. क्या था मेन इसका डिस्टेंस ट्रैवल का? तो जो ओ पॉइंट था आपका, जैसे देखिए ओ पॉइंट पी से सबसे कम डिस्टेंस पे लाई करता है, तो पी पॉइंट पे ओ से आने वाली सेकेंडरी वेव्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहेगा, और सेकेंड हाफ पीरियड जोन का उससे कम, थर्ड हाफ पीरियड जोन का उससे कम, और फिर ये द इफेक्ट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स nth हाफ पीरियड जोन. ठीक है, इन्वर्सली हो जाएगा, ये तो क्लियर है. थर्ड क्या है? द ओब्लिकिटी ऑफ द वेव्स रीचिंग पी फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग जोन्स. ये एंगल के लिए होता है. ओब्लिकिटी मतलब डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल. First we will discuss area. The nth zone lies between a circle of radii Rn and Rn minus 1. Nth zone कहाँ पे बनेगा? जैसे मैंने बताया था, nth zone कहाँ पे बनेगा? n माइनस वनth जोन n माइनस वनth सर्कल और जो nth सर्कल बनेगा उसके बीच का जो एरिया बनेगा वो क्या रहेगा? nth हाफ पीरियड जोन रहेगा. तो वो उस एरिया पे डिपेंड करता है. ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा उसका? द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ nth एंड n माइनस वनth सर्कल. ठीक है, पाई पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस वन का स्क्वायर. ठीक है, आर एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस वाली ट्राइंगल में देखिए, ये आर एन है और ये आर एन माइनस वन है. इस वाली ट्राइंगल में देखिए, आउटर वाली में, दिस स्क्वेयर माइनस दिस स्क्वेयर आर एन स्क्वेयर आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही दूसरा आ जाएगा. आर एन माइनस स्क्वेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस एन माइनस वन लैम्डा बाई टू होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर एन माइनस वन स्क्वेयर. ठीक है, इसको खोल लीजिए. अगर लैम्डा स्मॉल है, बिकॉज विजिबल लाइट की क्या है, वेवलेंथ लैम्डा स्मॉल ही होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, सो वी कैन नेगलेक्ट दिस टर्म लैम्डा स्क्वेयर, तो और भी छोटा हो जाएगा. ठीक है, तो वी कैन नेगलेक्ट दिस टर्म, कंसीडर ओनली दिस थ्री टर्म्स. ठीक है, आर एन स्क्वेयर क्या हो जाएगा? एन बी लैम्डा के इक्वल हो जाएगा. इट मीन्स आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वेयर से, तो बी स्क्वेयर कट जाएगा, ये नेगलेक्ट कर दिया हमने, एन बी लैम्डा आ गया, दैट इज आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी लैम्डा. आर एन इज प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन. ठीक है, सिमिलरली आर एन माइनस वन किसके हो जाएगा? एन माइनस वन इंटू बी लैम्डा. ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ nth जोन इज इक्वल टू, एरिया निकाल लीजिए यहाँ से. ठीक है, आर एन आर एन स्क्वेयर माइनस आर एन माइनस वन का स्क्वेयर डिफरेंस निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? पाई बी लैम्डा आ गया. इट मीन्स n तो है ही नहीं यहाँ पे, तो जो एरिया है वो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स पे डिपेंड नहीं करता, सभी के लिए क्या हो जाएगा? सेम होगा. एज पाई बी लैम्डा आर कॉन्स्टेंट, देयर फॉर द रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, ऑल हाफ पीरियड एलिमेंट्स आर हैव इक्वल एरियाज. ओके,
अब देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने बता दी है आपको। द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रीचिंग पी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव फ्रंट, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ऑब्लिगिटी दैट इज डेविएशन, द इफेक्ट ऑफ अ वेव फ्रंट अलोंग ए डायरेक्शन नॉर्मल टू इट इज मैक्सिमम एंड डिक्रीजिंग एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीजिज। ये भी सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं इस वाले सेक्शन में, जो इंक्लिनेशन वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, वन प्लस कोस थीटा, द एंगल सबटेंडेड बाई ईच जोन ऑन पॉइंट पी, वन प्लस कोस थीटा इफेक्ट रहेगा आपका। अगर कोस थीटा जीरो है तो ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा, और ये जीरो कब रहेगा, ये जीरो सिर्फ ओ पॉइंट पे रहेगा। जैसे जैसे हम दूसरे हाफ पीरियड जोन्स की तरफ मूव करते हैं तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू घटती जाएगी और एक पॉइंट आएगा ओ के जस्ट बैक डायरेक्शन में जहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। तो ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कोस 180 कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैक्सिमम तो जब एंगल ज़ीरो रहेगा, दैट इज़ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन एट सेंटर ओ, ठीक है, एंड ज़ीरो कब हो जाएगा, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, नाउ टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल दीज थ्री फैक्टर्स वी कंक्लूड दैट ए वन ए टू ए थ्री विल कंटिन्यू टू डिक्रीज रेगुलरली एंड मे बी टेकन टू फॉर्म एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। क्या पाया हमने, जो मेनली कंट्रीब्यूशन है वो ए वन से ही है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से ही है, बाकी तो जो क्या है ये आगे वाला इफेक्ट, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कम ही होता चला जाता है। अगर अर्थमेटिक मीन लें तो क्या हो जाएगा, बीच वाले को उठाते हैं और फर्स्ट एंड थर्ड का मीन ले लेते हैं, ठीक है। ए टू ये आ जाएगा, ए वन प्लस ए थ्री बाई टू, ए फोर ये आ जाएगा, ए थ्री प्लस ए फाइव बाई टू एंड सो ऑन। अब ये पुट कर दीजिए इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन में, ए वन माइनस यहाँ ए टू की वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर ए फोर की, फिर ए सिक्स की एंड अप टू एन तक, ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू। अब क्या करोगे, जो ये ए वन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वन बाई टू प्लस ए वन बाई टू। सिमिलरली वी कैन राइट ए थ्री एज ए थ्री बाई टू प्लस ए थ्री बाई टू। अगेन वी कैन राइट ए फाइव एज ए फाइव बाई टू प्लस ए फाइव बाई टू। अब क्या हो जाएगा, अब इसको खोलो, इस वाले टर्म को खोलो, ये क्या आ जाएगी, ए वन बाई टू प्लस ए थ्री बाई टू आएगी, ये ए माइनस ए थ्री बाई टू माइनस ए फाइव बाई टू आएगी। जब आप इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल कर जाएंगी, ए वन बाई टू से ए वन बाई टू, ए थ्री बाई टू से ए थ्री बाई टू। सिमिलरली देख, कट गया कट गया, ये क्या बच जाएगा आपके पास आखिर में, सिर्फ ए वन बाई टू बच जाएगा आपके पास। इससे क्या प्रूव हुआ, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी ड्यू टू वॉल ऑफ द वे फ्रंट इज जस्ट इक्वल टू हाफ द एम्पलीट्यूड ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। क्या मतलब है, जो पी पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा हमें वो सिर्फ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के एम्पलीट्यूड का हाफ एम्पलीट्यूड मिलेगा। नाउ अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले लिए हैं इसने। Suppose we now place a circular obstacle at O such that amplitude at P due to the exposed portion of first half period is A by 2. हमने एक obstacle ले ली है, कैसे ली है, जिससे जो आपका first half period zone है वो उसके half amplitude को इशू करे, half area को, ठीक है। Then resultant amplitude A dash will be, जो ए वन था वो क्या हो गया, हाफ है ना, ए वन बाई टू ले लिया। जब आप इसको फिर अर्थमेटिक मीन लगा दीजिए, यहाँ पे ए पी लगा दीजिए, ए टू को ए वन प्लस ए थ्री बाई टू, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। इससे क्या प्रूव हुआ, दस इफ वी प्लेस एन ऑब्स्टेकल एट ओ सच दैट इट कवर्स हाफ ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट द लाइट रीचिंग एट पी विल बी कम्प्लीटली कट ऑफ। अगर हम ओ पॉइंट पे, मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को, अगर जो आपका वेव फ्रंट है वो हाफ कवर करे, सिर्फ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के आधे पार्ट को ही एक्सपोज करे, तो आपकी पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी रहेगी वो बिल्कुल ज़ीरो मिलेगी आपको, ठीक है।
फ्रॉम द अबो इट इज़ क्लियर दैट रेडियस ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी, ये रेडियस निकाली है इसने फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के लिए, दैट इज़ बी लैम्डा। एग्जाम्पल के लिए ले लिया इसने लैम्डा ये है, बी अगर ये है तो आर वन फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की रेडियस कितनी है 0.08 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब क्या है, ए टाइनी ऑब्स्टेकल ऑफ रेडियस लेस देन 0.08 सेंटीमीटर इज एबल टू कट ऑफ लाइट कम्प्लीटली। अगर आपके पास फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की ये रेडियस इतनी है, तो अगर आप इतने सेंटीमीटर का ऑब्स्टेकल लेते हो तो वो पी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी मिलने ही नहीं देगी, जीरो इंटेंसिटी मिलेगी। इन केस ऑफ साउंड, साउंड के केस में क्या होती है, लैम्डा बहुत लार्ज होती है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोज पार्ट बड़ा हो जाएगा, ऑब्स्टेकल भी बड़ी है आपकी तो क्या हो जाएगा, लाइट बैंड हो जाती है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, दिस शोज दैट वाई बेंडिंग ऑफ साउंड अराउंड द कॉर्नर कुड बी ईजिली डिटेक्टेड वेयर एज दिस इफेक्ट वॉज नॉट ईजिली डिटेक्टेड इन केस ऑफ लाइट। ये क्या है नेक्स्ट, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इफ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज इंक्रीज सो एज टू कवर द वॉल ऑफ द फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट। अगर ऑब्स्टेकल का साइज इतना बड़ा ले लें कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को पूरा ही कवर कर दे तो क्या हो जाएगा, ए वन तो जीरो ही हो जाएगा, जो ये नेक्स्ट वाले हैं ये बचेंगे। अब इनको अर्थमेटिक मीन से जब आप खोलोगे तो ये आएगा, आपके पास एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, इंटेंसिटी ए वन ए टू स्क्वेयर बाई फोर हो जाएगी। नियरली हम इसको ले लेते हैं ए वन स्क्वेयर बाई फोर के, ये इंटेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी आपकी। दिस शोज दैट इफ ए स्मॉल सर्कुलर ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड एट ओ द सेंटर ऑफ द शेडो ऑफ ऑब्स्टेकल एट पी मे बी वेल ब्राइट। पी पे आपको ब्राइट स्पॉट्स दिखेंगे। Thus, if the size of obstacle placed in path of light is comparable to wavelength of light, then it is possible to get illumination in region of geometrical shadow. ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, अगर लाइट यूज़ करते हैं हम साउंड की जगह पे, which if the size of the obstacle is comparable with the wavelength of the light, then we can also see the illumination of light or illuminated light even in the geometrical shadow region. Okay. In case of sound क्या हो जाएगा, due to greater wavelength area of first half period element for a wavefront is very large, area उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि wavelength ज़्यादा है। If the effect of sound at point beyond an obstacle is to be shadowed, an obstacle of very large size must be used to get no sound effect. Fresnel with the help of his half period element established that rectilinear propagation of light which whole geometrical optics is based is only approximate and light bends round the corner of the obstacle. फ्रेजनल ने हाफ पीरियड एलिमेंट के जो फिनोमिना या प्रिंसिपल बताया है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को अप्रोक्सीमेट करता है, और क्या बताता है कि लाइट भी, लाइट कैन बेंड राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल।